सितंबर 2021, जब मैं बाजावड़ के सबसे मशहूर सियाती मकाम पर गया। बाजावड़ में अगर आप जाएंगे और किसी से भी पूछेंगे कि मुझे बाजावड़ घूमना है, तो सबसे पहले वो आपको कहेगा कि आप गब्बर चीने की तरफ चले जाएं। चीना पश्तो में एक्चुअली चश्मे को कहा जाता है। तो गब्बर चीना बाजावड़ की तहसील सलारजई में एक चश्मा है जिसका पानी काफ़ी ठंडा और मीठा है। तो बाजावड़ के मकामी और दूसरे टूरिस्ट भी गर्मियों में इसका रुख ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं, ये चीज़ जानने के लिए मैं वहाँ पर चला गया ताकि आपको भी दिखा सकूँ। गब्बर चीना तक बाजावड़ सिटी से तकरीबन 1 से 2 घंटों के बीच टाइम लग जाता है, क्योंकि रोड की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। राइट, तो जैसे आप सलारजई में आ जाते हैं, गब्बर चीना का ये रोड होता है, बिल्कुल ये रोड जो है ना गब्बर चीना के ऊपर ही रुक जाता है। यहाँ पे जैसे आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पंजाबी जो टूरिस्ट थे, पंजाब साइड के जो टूरिस्ट थे, वो भी मैंने यहाँ पे देखे हुए। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं ट्राइबल एरियाज़ में पंजाब या दूसरे इलाकों के टूरिस्ट भी देख रहा हूँ। तो जैसे आपको बैकग्राउंड में गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करके उस साइड पे भी चले जाते हैं, और ये साइड जो है इधर भी चले जाते हैं गब्बर चीना पे। और हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है, तो आगे जाके देखते हैं कि गब्बर चीना के व्यूज़ कैसे हैं। गब्बर चीना की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक आप अपनी गाड़ी में आराम से आ सकते हैं। मेरा मतलब यह है, यानी कि किसी भी जगह पर आपको गाड़ी से नहीं उतरना पड़ता, पैदल नहीं चलना पड़ता, यानी गाड़ी से उतरकर आपको ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, आप सीधा गाड़ी में ही गब्बर चीना तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद जो लोग फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन मकाम है। तो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, ये है गब्बर चीना। बाजावड़ एजेंसी में या बाजावड़ डिस्ट्रिक्ट में या ज़िला बाजावड़ में ये एक बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट है। यानी कि बाजावड़ में आने वाले जो टूरिस्ट हैं या मेहमान हैं, या बाजावड़ के लोगों की तरफ जो मेहमान आ जाते हैं, वो ज़रूर उनको एक दफ़ा यहाँ पे ले आते हैं। क्योंकि इसके व्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, कितना प्योर पानी है, चश्मे से निकलता हुआ पानी है। उसका एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया जिसका वो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, इसमें आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 फुट का पानी है जिसमें आप आराम से स्विमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये इतना ठंडा पानी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं शर्तन कह सकता हूँ कि आप इसमें 5 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं ख़ुद इसमें शॉर्ट बना रहा था, 2 मिनट से ज़्यादा मैंने सर्वाइव नहीं किया। तो इतना ठंडा पानी है और ऊपर से इतना क्लियर, इतना प्योर पानी, मेरे ख्याल से एक इंतहाई बेहतरीन लोकेशन है बाजावड़ एजेंसी में ये। पे लोकल टूरिज्म जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। लोकल जो टूरिस्ट हैं वीकेंड्स पे, स्पेशली जुमे हफ्ता इतवार के दिन यहाँ पे काफ़ी सारे तादाद में आते हैं। जैसे बैकग्राउंड में आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे होंगे, ये सारे लोकल टूरिस्ट हैं जो जुमे का दिन है यहाँ पे आए हुए हैं। सब अपने साथ खाने पीने का सामान ले आए, डिफरेंट लोकेशन पे कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, कुछ ये गब्बर चीना के आसपास बैठे हुए हैं, अपना जो है ना महफिल लगाई हुई है, शाम तक यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो अगर लोकल टूरिज्म यहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से दूसरे इलाके के टूरिस्ट भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, इस जगह से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं और बाजावड़ की टूरिज्म प्रमोट हो सकती है। चीना पर एक और चीज़ मैंने नोट कर ली कि यहाँ पे लोग काफ़ी सफाई का ख्याल रख रहे हैं। मैंने कहीं भी दूसरे मकामात की तरह यहाँ पे गंद और कूड़ा करकट या किसी शॉप पर या रेपर्स वगैरह नहीं देखे। तो आने वाले मेहमानों और सयाहों को मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि काइंडली अगर आप यहाँ पर जाएँ, खाने पीने का सामान अगर अपने साथ ले जाते हैं, तो अपने साथ एक बड़े शॉपर में या किसी चीज़ में वो सारा गंद डाल दें, और ये जगह जितनी साफ़ है, जितनी खूबसूरत है, इसको हमेशा इस तरह खूबसूरत रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये जितनी खूबसूरत रहेगी, हमारा दिल यहाँ पे बार बार आने को चाहेगा। ये इलाका बंदा जो है, इसको आप जानते होंगे फजल, ये पूरा टूर करवा रहा है मैं बाजावड़ का रहने वाला है। ये जो चश्मा है एक इंतहाई डिफरेंट किस्म की एक स्पॉट है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से टूरिस्ट के लिए, ऐसे लोग जो टूरिस्ट हैं जो एक नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट लोकेशन है। क्योंकि आपको 2 लैंडस्केप मिलते हैं यहाँ पर, एक तो पानी का लैंडस्केप, बहता हुआ पानी जिसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपको जो नीचे ग्रीन फील्ड्स का लैंडस्केप मिलता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दूसरी जगह पे ऐसा लैंडस्केप आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ वर्क करेगी फ्यूचर में,
आने वाले टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ बना दी जाएंगी। इसको गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट भी किया जाएगा ताकि बाजेवाड़ के लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएँ और बाजेवाड़ की जो टूरिज़म है वो भी प्रमोट की जाए। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ गया है, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।